अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हमारे जो रिसेंट बिड्स हैं उस पर बात करेंगे। जिन जिन गाड़ी पे हमने बिड किया है, क्या क्या कॉस्टिंग जो है में वो गाड़ियाँ बिकी हैं, तो उन सब पे बात करेंगे। छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब हैं इसमें, और जो रिसेंट है मतलब काफ़ी दूर नहीं, इसमें मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं जो जो जिस तरह की मूव लेने, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट्स पर बात करेंगे। 660 सी सी में अभी ये अगर आप देखें तो मीरा गाड़ी है, लेकिन टोयोटा पेक्सिस में है, और GS3 है। ये डैमेज कंडीशन में थी तो मैंने ट्राई की, मैंने कहा चलो अच्छे रेट में अगर निकलती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी थी। अब ब्लैक कलर इतना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन बहरहाल गाड़ी लोडेड थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी टेल लाइट एक साइड पर डैमेज नज़र आ रही है, पीछे बम्पर जो है ये एरिया लगा हुआ है, तो ये नॉर्मली रिपेयर हो जाता है। ये गाड़ी इस पर मैंने बिड किया था 3 लाख, क्योंकि असल में 23 मॉडल है, ड्यूटी इसकी ज़्यादा है, तो 3 लाख बिड मैंने डाली थी। लेकिन ये गाड़ी 7,25,000 में गाड़ी उठी है। फर्स्ट करें, ये 7,25,000 में जिसने भी ली है तो उसको तकरीबन ये कितने में कॉस्ट करेगी, 180 फ्रेट रेट कर दें, मल्टीप्लाई 1.91 रेट डाल दें। आजकल रेट बहुत अच्छा हुआ है और PRC रेट भी काफ़ी अच्छे रेट में मिल रहा है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा जी, 17,28,000 जापान की भिजवा दी है इस पर, बाकी जो है PRC इसकी तकरीबन 14 लाख के लगभग इसकी ड्यूटी है, 14 लाख ड्यूटी डाल दें थे इस मॉडल की, और 1.5 लाख अदर एक्सपेंस के डाल दें। और इसके अलावा जो है PRC आपको 14 लाख की यही कोई 260 के लगभग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तकरीबन 35,38,000 में कॉस्ट कर रही है, जो कि अभी भी महंगी है, लेकिन जापान में माल काफ़ी महंगा है, शॉर्ट है, बहुत ही कम आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है जी, इसमें अगर आप देखें तो फ्रंट की एक हेडलाइट जो ड्राइवर के सामने है वो डैमेज है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उसको स्क्रैचेज होंगी, इतना वाजह नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीड टू बी रिप्लेस लिखा हुआ है। बाकी एक्सरी है, एक्सरी से मतलब कि बिल्कुल ही मतलब ख़राब कंडीशन में इसमें जो है रिपेयर की ज़रूरत है, और या इसको आप रिप्लेस करेंगे। एक फेंडर भी साथ में लगा हुआ है। तो इस पर मैंने तकरीबन मतलब इस पर भी मैंने 3 लाख बिड डाली थी, 3,30,000, लेकिन 9,61,000 में उठी है, तो ये भी आज ही की बिड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 9,61,000 में अगर ये गाड़ी उठती है, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, 180 मल्टीप्लाई 1.91 कर दें, ड्यूटी इसकी जो है 14 लाख ही है, 1.5 लाख अदर एक्सपेंस, और 2,60,000 तकरीबन ये 40 के लगभग ये पड़ रही है, और काफ़ी महंगी है ये अभी भी। अच्छा जी, इसकी अगर बात करें तो इस पर मैंने बिड अच्छी डाली थी, लेकिन इसमें 3 पीस टच हैं, यहाँ पे 8,40,000 इस पर मैंने बिड डाली थी। असल में ये हाइब्रिड टी है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन वाहिद गाड़ी है जो कि टर्बो में आती है वेगनार में, इसके अलावा 2 टोन में होते हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें XXX W2 है, एक साइड जो है इसका रिपेयर हुआ हुआ है, तो ये 26,000 चलिए 3.5 ग्रेड की ये गाड़ी जो है तकरीबन 10 लाख के लगभग ये गाड़ी बिकी, अभी भी महंगी है, लेकिन बहरहाल 10 लाख 180 मल्टीप्लाई 1.91 जब इसकी ड्यूटी है 10.5 लाख के लगभग, 150 मल्टीप्लाई 230 कर दें, तो 33,83,000 में ये कॉस्ट कर रही है। मैंने ट्राई की थी कि ये गाड़ी हमें तकरीबन 34 के लगभग पड़े, लेकिन ये गाड़ी ऊपर गई है। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे आते हैं, और गाड़ियाँ भी हैं, इस पर भी मैंने बिड किया था, ये 7,75,000 मैंने बिड डाली थी FZ, लेकिन ये गाड़ी उठी है 8,75,000 में। असल में जितनी भी USS की जो ऑक्शंस हैं, इसके रिज़ल्ट जो हैं वो वेबसाइट पे डायरेक्टली शो नहीं होती, ये कंपनी हमें अलग से जो है एक शीट भेज देती है USS की जितनी भी रिजल्ट्स हैं। इसमें मसला क्या था, 8,000 से ये 22 मॉडल की है, यहाँ पे इसका एक फेंडर ये जो है इसका मतलब बड़ा डेंट है इसमें, इसको रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस दरवाजे की तरफ भी इसका डेंट गया हुआ है, लेकिन इतना नहीं है। बाकी यहाँ पे एक पिलर है, यहाँ पे अगर आप शीट में देखें तो पिलर पे भी डेंट है, तो बाकी गाड़ी अच्छी है, पोटेशिंग नहीं है, और FZ है, FZ भी लोग पसंद करते हैं, तो 8,75,000 प्लस। अच्छा जी, ये कैलकुलेशन का मतलब ये है कि 21 मॉडल 23 मॉडल की ड्यूटीज भी आपके साथ शेयर हो रही हैं, बाकी कैलकुलेशन का भी आपको पता चल रहा है। कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है ऊपर आजकल, क्योंकि माल कम है और लोग काफ़ी ज़्यादा बिट कर रहे हैं, माल शॉर्टेज है उसकी। अच्छा जी, यहाँ पे 22 मॉडल है, 22 मॉडल की ड्यूटी 12 लाख ले लें, 1.5 लाख अदर एक्सपेंस, और 2 लाख तकरीबन 30,000 के लगभग आपको PRC मिल जाएगी, तो 36 लाख के लगभग ये गाड़ी कॉस्ट कर रही है। फिर अभी भी ये रेट अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन मैंने रेट नीचे डाला था, मैंने कहा शायद निकल आया, लेकिन लाख रुपये का डिफरेंस मीन्स
2 लाख रुपए का, 1,80,000 के लगभग जो है हमारा रेट का भी डिफरेंस था। नीचे आते हैं जी, नीचे कुछ और गाड़ियां हैं, और अच्छा जी ये वाली जी 17,000 चली हुई जी, 9,30,000, ये 10.5 लाख में उठी है ऊपर, ये तकरीबन 37-38 के लगभग कॉस्ट कर रही थी या इससे कम थी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 10.5 लाख में गाड़ी उठी थी, 21 मॉडल FZ, 10.5 लाख जमा 180 मल्टीप्लाई 1.91, ठीक है, 10.5 लाख जमा 1.5 लाख जमा 260, तो 38 लाख में कॉस्ट करी, असल में बिड प्राइस ऊपर चली गई। अच्छा जी यहाँ पे ये वाली गाड़ी जो है यारिस, हम काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, एक भाई हैं हमारे सियालकोट के, उनके लिए बड़ी ट्राई कर रहे हैं लेकिन गाड़ी नहीं लग रही, यारिस बहुत ही ऊपर जा रही है और यारिस की डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कराची में, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सियालकोट पंजाब साइड भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये बड़ी अच्छी गाड़ी थी अल्टो, लेकिन ये नट्स होल पे रुकी है, कंपनी ने नहीं बेची, 9.5 लाख रुपये हमने बिड डाली थी। ये मज़दा फ्लेयर ये 5 लाख मैंने बिड डाली थी, ये भी ऊपर गई है। और नीचे आते हैं जी, इंडसान डेज़ की भी मैं कर लेता हूँ, और नीचे आते हैं ये वाली मूव, ये बड़ी अच्छी गाड़ी थी, ये वैसे ही मिस हो गई हमसे। यहाँ पे 13,20,000 में यहाँ पे बिड डाली हुई थी कि भई अगर आप ज़रूरत पड़े तो इंक्रीज़ कर दें, लेकिन बिड ज़्यादा होने की वजह से जो है कंपनी इसको नहीं देख पाई कि वो जो बिड है डाली थी उस पर लगा देते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये जो बाकी गाड़ियाँ हैं। अच्छा जी ये बड़ी अच्छी गाड़ी थी, 5 ग्रेड की पर्ल वाइट पुश स्टार गाड़ी थी और लो माइलेज 22 मॉडल, तो ये ऊपर गई है थोड़ी सी, असल में 22 मॉडल है ना, 1295 जमा तकरीबन इसकी 190 फ्रेट आप ऐड कर दें, 1.91 कर दें। ये आज ही मैंने बिड डाली थी इस गाड़ी पे लेकिन नहीं निकली हमारी, 12.5 लाख रुपये मैंने इस पर बिड डाली थी, 1295 में गाड़ी उठी है। इसके बाद ड्यूटी की बारी आती है, तो ड्यूटी जो है इसकी मेरे ख़्याल से क्या मैं कह रहा था, ड्यूटी इसकी तकरीबन 16 लाख, 16 लाख के लगभग है, 16 लाख जमा 1.5 लाख जमा जमा 3 लाख ज़्यादा हो जाएगा, 2 लाख का सी लगा लें तो 48,40,000 में ख़ुद कॉस्ट कर रही है। यहाँ पे जो है इसकी करंट मार्केट प्राइस है 48 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ रेंज चली जाती है। इस तरह ये 13,05,000 20,000 उस वाले रेट में और भी ऐड कर दें तो बिल्कुल ही महंगी पड़ जाती है। अच्छा जी ये हाइब्रिड एक्स है, एलॉय व्हील्स पे आ रहे हैं, एंटीना लगा हुआ है, 360 व्यू कैमरा है, और पीछे यहाँ पे इसका एक डेंट है जो ट्रंक है, तो इस वजह से ये 4 ग्रेड है, वरना तो ये बिल्कुल फ्रेश गाड़ी थी, इंटीरियर भी अच्छा है। तो यहाँ पे अच्छा ये एक चीज़ और भी मैं साथ में देख, यहाँ पे हमारी एक गाड़ी आई थी अभी एस, इसी शेप में एस, उसमें भी पीछे हेडरेस्ट नहीं थे, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो इसमें भी नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रही कि कंपनी क्यों नहीं साथ में ऐड कर रही, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो ये वाली गाड़ी जो है नट्स होल्ड पे है तो इसको छोड़ देते हैं, ये इसी कर लेते हैं, निसान डेस्क का लोग ज़्यादा पूछते हैं, एक भाई है उसके लिए हम ले लेना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ही ऊपर चली जाती है। इस पे मैंने 12,50,000 बिट किया था और ये गाड़ी उठी है 13 लाख में, तो ये जी टर्बो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो इसकी कैलकुलेशन में कर लेता हूँ, 13 लाख में ये गाड़ी उठी थी, तो 13 लाख जमा 180 मल्टीप्लाई 1.91 जमा 10.5 लाख जमा 150 जमा 230, तो 42.5 लाख के लगभग ये खुद पड़ रही है। तो यहाँ पे तो मार्केट प्राइस भी यही है, लेकिन मसला ये है कि जो आजकल कॉस्टिंग पड़ रही है ये आने वाले वक्त में, ये वक्त जब सेल के लिए खड़ी होंगी तो इसकी डिमांड ज़्यादा की जाएगी, ये जो अभी माल बिक रहा है तो ये मार्केट में जो है आई है, लेकिन ये पुराना जो स्टॉक है लोगों ने लिया हुआ है वहाँ पे, उस वक्त इसकी अच्छी से अच्छी गाड़ी की मूव की बात कर लूँ तो 950 वैगन आर की 935 की मैंने खुद उठाई थी स्टिंगरे, तो ये अभी का मसला है कि लोग काफ़ी ऊपर बिट डाल रहे हैं, माल शॉर्ट है या नीचे जा रहा है, इस वजह से इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है। ये 13-21 में बिकी है, ये गाड़ी बड़ी पसंद आई थी मुझे, यहाँ पे फ्रंट इसका अच्छा था, नेल प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैंडल्स के साथ, तो 13-21 की ये कॉस्टिंग थी, बिकी है 180 मल्टीप्लाई 1.91 और 21 मॉडल ही है ये, जी जी बिल्कुल, 10.5 लाख 1.5 लाख 230, तो 43 लाख की ये ख़ुद कॉस्ट कर रही है। यहाँ पे बहुत ही बमुश्किल ये बायर्स की जो है लोग बेच सकते हैं, तो कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। काफ़ी दोस्त रابطہ करते हैं, उनको मैं यही बोलता हूँ कि भाई
कॉस्टिंग जो है काफ़ी ऊपर जा रही है, और मतलब अभी सही टाइम है भी नहीं लोग, मतलब ये सही टाइम तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई कंफर्म नहीं है किस टाइम भी कानून जो है चेंज कर सकते हैं। ये वाली बड़ी अच्छी गाड़ी थी, हम इस पर लगे हुए थे, लेकिन ये नट्स होल पे आई है, ये नहीं बिकी। तो अलॉय व्हील्स थे इसमें, एक इसमें दूसरी गाड़ी आई थी जो कि बड़ी बेहतरीन गाड़ी थी, उसमें जो है लाइट्स बड़ी अच्छी थी और इंटीरियर काफ़ी उसका अच्छा था, बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये 22 मॉडल शो कर रहा है लेकिन 21 मॉडल थी। इस पर हमने तकरीबन 16 लाख तक बिड की थी लेकिन ये 17,40,000 में गाड़ी बिकी है। 16,20,000 मतलब 17 लाख, सॉरी 17 लाख तक में, 16.5 लाख का होता। फिर मैंने फ़ोन करके उनको बताया कि भाई 17 तक अगर बिड जाती है तो फिर भी आप ये गाड़ी मिस ना करें। यहाँ पे आज हमारे इस नेट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ट्राई करते हैं जी किसी दूसरे नेटवर्क के साथ। तो मसला बड़ा चल रहा है रेट का, रेट काफ़ी ऊपर हैं और मतलब लोग ट्राई करते हैं कि भाई हम ले लें लेकिन हमारी गाड़ी निकल नहीं रही। ये इस इंटीरियर की मैं बात कह रहा था, ये इस इंटीरियर के साथ यार ऐसा आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। ग्रे और ब्राउन कलर में आपको टच में मिल रही है। यहाँ पे अगर डैशबोर्ड की बात करें, सीट्स की बात करें, इसमें ये वाहिद गाड़ी थी जिसमें हेडरेस्ट भी आ रहे थे। इससे पहले किसी यारिस में मैंने हेडरेस्ट नहीं देखे थे और इसमें हेडरेस्ट भी थे, लेकिन ये 17,40,000 में उठी है। मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 17,40 सॉरी 17,40 जमा 190 मल्टीप्लाई 1.91 जमा ड्यूटी जो है इसकी 14,50,000 है, जमा 1.5 लाख अदर एक्सपेंस के डाल दें, जमा ये इसमें पीआरसी के पैसे जो हैं ये तकरीबन 2.5 लाख तक आपको पीआरसी मिल सकती है, तो 55,36,000 में ये ख़ुद कॉस्ट कर रही है। हमने ट्राई की थी कि 54,55 तक हमें कॉस्ट कर जाए लेकिन ये उससे भी ऊपर चली गई। लेकिन बहरहाल बड़ी अच्छी गाड़ी थी और क्योंकि बिल्कुल यूनिक सी थी, फर्स्ट टाइम इस किस्म की गाड़ी मैंने देखी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, अगर आपने इम्पोर्ट करनी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट आप कर सकते हैं तो 0333-93-6392 पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुजम्मिल मेरा नाम है, पेशावर से ताल्लुक़ है, तो जितने पेशावर के भाई हैं तो वो तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आके मिल भी सकते हैं। और काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।